मध्य प्रदेश में बजट सत्र पेश हो चुका है और इसी के साथ ही अब विपक्ष हंगामा कर रही है। लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बजट सत्र के दौरान कहा कि बजट जनहितैषी है तो लाडली बहनों की राशि क्यों नहीं बढ़ाई गई, फसल खरीदी की MSP क्यों नहीं बढ़ाई गई, घोषणा पत्र के वादे क्यों नहीं पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग ने झूठ बोला है, सदन को गुमराह किया है। सुनिए इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा। आज बजट पर चर्चा होनी है, विपक्ष की क्या रणनीति है, कल तो दिन भर हंगामा होता रहा, हंगामे के बीच बजट पेश हुआ, नरसिंहपुर के बारे को लेकर आज क्या करेंगे। आप बजट में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो योजनाएं थी, नई योजनाओं पे इन्होंने कोई विचार नहीं किया, और जो इनके घोषणा पत्र थे जिसपे सरकार आई थी इनके 2023 में, लाडली बहना के लिए 3,000 करने वाले थे, लेकिन इन्होंने बजट में उसका प्रावधान नहीं रखा। 2700 रुपये इन्होंने गेहूं खरीदी के लिए किया था, आज उसका नहीं आया, 3100 रुपये आपका था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गेहूं हो चाहे धान खरीदी हो चाहे लाडली बहना, ये महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार अपने एजेंडे में थी, घोषणा पत्र में था। क्यों सरकार किसानों के साथ छल कर रही, क्यों महिलाओं के साथ लाडली बहनाओं के साथ छल कर रही, मोहन यादव सरकार बताए। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पे सरकार क्यों बचना चाहती, क्या मोहन यादव जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास सारंग भारी है? जब स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने झूठे जवाब दिए, सदन को गुमराह किया, हमारे सदस्यों ने विशेष अधिकार हनन के नोटिस दिए पार्टी की तरफ से, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पे सदन क्यों नहीं, पे चर्चा क्यों नहीं हो। ऐसे झूठी बात करके आप पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। रही बात ये बार बार कहते एक बात की कॉलेज की परीक्षा हम करा रहे नर्सिंग की, ये तो कोर्ट के आदेश के कारण हो रही है। इन्होंने कौन से आदेश जारी किए, कोर्ट ने आदेश जारी किए जब जाके उनके। रही बात, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के युवा, उनकी गलती नहीं है, यहाँ पे जो नियम बनाने वाले उनकी गलती है।